सो है एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि साइंस कॉलेज में यूजी एंड पीजी एडमिशन के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपके में होनी चाहिए। साथ में देखेंगे कि कोर्सेज कौन कौन सी है, उनके सीट कितने अवेलेबल हैं एंड फीस स्ट्रक्चर क्या है। एंड लास्ट में देखेंगे कि साइंस कॉलेज में जो हॉस्टल अवेलेबल है उनमें क्या फैसिलिटीज़ है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो बने रहेगी इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपकमिंग वीडियोज़ में हम बिलासपुर के बाकी कॉलेजेस को भी कवर करने वाले हैं, लाइक CMD, DP विप्रा एंड बिलासा कॉलेज का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जरूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर आप GGU में PG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाकर के जरूर से चेकआउट कीजिएगा एंड GGU के लिए भी जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं साइंस कॉलेज की बाकी सारी डिटेल्स। तो साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी है UG एंड PG दोनों के लिए, आप छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए, मीन्स आपका निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। एंड अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है, बट आपको जो है जब सीट खाली रहेगा एकदम लास्ट में तभी आपको एडमिशन मिलेगा। एंड एडमिशन 2022-23 बैच के लिए 15 जून से स्टार्ट हो सकती है, तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम अपडेट जरूर से करेंगे। उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड अगर आपको साइंस कॉलेज की और बेसिक डिटेल चाहिए, लाइक उसका पूरा नाम क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एफिलेटेड बाई क्या है, किस टाइप का कॉलेज है, तो इसकी इन डिटेल वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर से जा करके चेकआउट कीजिएगा, बेसिक डिटेल जाननी बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर से जा करके देखिएगा। एंड UG में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी मस्ट है कि आपका 12th पास आउट होना चाहिए। मे बी आपने अभी एग्ज़ाम दिया हो 12th का और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप एलिजिबल हैं। एंड आपका एक या फिर दो साल का गैप है तो भी आप एलिजिबल हैं UG में एडमिशन के लिए। एंड PG में एडमिशन के लिए मस्ट है कि आपका UG कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज़ आप UG के फाइनल ईयर में होने चाहिए। मे बी आपने एग्ज़ाम दे दिया हो, अभी तक रिजल्ट नहीं आया हो, तो कोई बात नहीं है, आप PG के लिए एलिजिबल है, बट मस्ट है कि आपका UG कंप्लीट हो। एंड यहाँ पर एज लिमिटेशन भी दी गई है, UG के लिए मैक्सिमम 22 ईयर्स, PG के लिए मैक्सिमम 27 ईयर्स। एंड कुछ स्पेशल कैटेगरी में जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, तो वो छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा। एंड अगर आपने स्कूल टाइम में NSS, NCC, स्पोर्ट वगैरह ज्वाइन किया था और आपको सम्मानित किया गया था, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसका भी एडमिशन में वेटेज ऐड होता है। लाइक अगर आपका अभी 80% है रिजल्ट में आपके 12th में या फिर बोला जाए UG के में, और आपने NCC या फिर NSS का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसमें से 5 या फिर 10% एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, मीन्स आपका टोटल जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें 85 हो जाएगा इस टाइप से। तो अगर आपके पास स्पोर्ट, NSS, NCC जिसका भी सर्टिफिकेट है तो ज़रूर से एडमिशन फॉर्म में ऐड कर दीजिएगा ताकि आपका परसेंट थोड़ा और हाई हो जाए और आपका नाम आने के चांसेस बढ़ जाएं। एंड एडमिशन टाइम जो है जब मेरिट लिस्ट जारी होता है तो उसमें रिजर्वेशन भी होता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी लाइक SC, ST, OBC एंड PWD। तो अगर आप इन सब कैटेगरीज में आते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूर से अपलोड कीजिएगा ताकि आप जनरल में ना होकर के आपके रिजर्वेशन में भी नाम आने के चांसेस बढ़ जाएँ और आपका एडमिशन ईजीली हो जाए। तो अब देखते हैं साइंस कॉलेज UG के कोर्सेज, सीट एंड फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ टोटल UG में आपको 11 कोर्सेज मिलेंगे। तो पहला स्ट्रीम है प्लेन BSc, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप स्टडी करेंगे। इसमें टोटल सीट है 90 और इसका फीस आपको 15 से 2000 के बीच पड़ेगा। सेकेंड कोर्स है प्लेन BSc जियोलॉजी, जिसमें आप फिजिक्स, जियोलॉजी एंड मैथ्स का स्टडी करेंगे। अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है एंड इसका फीस 1500 से 2000 के बीच में लगेगा। तीसरा है BSc कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स का स्टडी करेंगे। सीटों की संख्या है 80 एंड इसका फीस आपको पर ईयर 3000 लगेगा। आप चाहें तो फीस को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। देन है BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc IT जिसको बोलते हैं, तो इसमें फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथ्स का स्टडी आप करेंगे। अवेलेबल सीटों की संख्या है 60 एंड इसका पर ईयर जो फीस है 2000 है। देन है प्लेन BSc इन बायोलॉजी, इसमें आप बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। अवेलेबल सीटों की संख्या है 90 और इसका फीस 1500 से 2000 के बीच है। देन है प्लेन बायो के साथ में जियोलॉजी का कोर्स, जिसमें आप स्टडी करेंगे जियोलॉजी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। अवेलेबल सीटों की संख्या है 30 एंड इसका भी फीस 1500 से 2000 के बीच रहेगा।
देन है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। अवेलेबल सीटों की संख्या है 30 एंड पर ईयर आपको फीस लगेगा 3000। एंड अगेन माइक्रोबायोलॉजी का एक और स्ट्रीम है जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे। इसमें भी अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है, फीस भी 3000 पर ईयर है। देन है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है, इसका पर ईयर फीस 6000 है। बायोटेक में भी सेकेंडरी स्ट्रीम है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री आप स्टडी करेंगे। इसमें भी अवेलेबल सीटों की संख्या 30 है एंड फीस 6000 पर ईयर है। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए टिप्स है कि अगर आप यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कीजिएगा। लाइक मैथ्स स्ट्रीम से है या फिर बायो स्ट्रीम से है तो भी आप जियोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों स्ट्रीम में अप्लाई कीजिएगा। लाइक बायोटेक्नोलॉजी का जूलॉजी एंड बॉटनी स्ट्रीम, उसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी का जूलॉजी एंड बॉटनी स्ट्रीम। तो मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट करने का मेन बेनिफिट आपका एडमिशन के टाइम पे आएगा। मे भी आपका किसी एक कोर्स में नाम ना आए तो चांसेस है कि सेकेंडरी स्ट्रीम्स में आपके नाम आ जाए, तो इसलिए मल्टीपल कोर्स में ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका इजीली एडमिशन वहां हो सके। देन लास्ट कोर्स है BCA, जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या 50 है एंड यहाँ का जो फीस है 5000 ईयर आपको पड़ सकता है पर ईयर। ये एकदम एग्जैक्ट फीस नहीं है, मे भी थोड़ा कम पड़े, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एंड साइंस कॉलेज के कुछ स्ट्रीम्स में ऑनर्स भी अवेलेबल है, लाइक फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड BCA। इन सभी कोर्सेज में आपको ऑनर्स मिल जाएंगे। देन अब देखते हैं साइंस कॉलेज में PG कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, सीट एंड फी स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहला है MSc मैथमेटिक्स, अवेलेबल सीटों की संख्या है 50 एंड फीस लगभग 2000 आपको लगेगा। देन है MSc फिजिक्स, अवेलेबल सीटों की संख्या है 35। देन है MSc केमिस्ट्री, अवेलेबल सीटों की संख्या है 30। देन है MSc बॉटनी, अवेलेबल सीटों की संख्या है 40। देन है MSc जूलॉजी, अवेलेबल सीटों की संख्या है 30। एंड इस ऊपर के जितने 5 कोर्सेस हैं इनके लगभग फीस 2000 के अराउंड पड़ेंगे, मे भी थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा कम भी हो सकता है। देन है MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, अवेलेबल सीटों की संख्या 20 एंड इसका पर ईयर फीस आपको 8000 लगेगा। एंड अगर आप चाहें तो यहां से PGDCA भी कर सकते हैं, अवेलेबल सीटों की संख्या 50 एंड इसका भी ईयरली फीस 8000 है। एंड अगर आप PGDCA प्लस MSc भी करना चाहते हैं तो बेस्ट है बिलासा कॉलेज, जहां पर आपको दोनों कोर्स साथ में करने को मिल जाता है। तो उसकी भी इन डिटेल वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज़रूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। अब देखते हैं साइंस कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटीज़। तो साइंस कॉलेज में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। बॉयज़ लोगों का हॉस्टल जो है बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, बट गर्ल्स लोगों का 2021 से ही स्टार्ट हुआ है, मीन्स इस ईयर से ही कंटिन्यू होगा। तो साइंस कॉलेज में मैक्सिमम 65 बॉयज़ के लिए जो है हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। गर्ल्स के लिए कितने सीट अवेलेबल है अभी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जब भी अवेलेबल होगी हम अपडेट ज़रूर से कर देंगे। एंड हॉस्टल का भी एडमिशन का अलग से फॉर्म भरा जाता है, जब आप एडमिशन होने के लिए जाएंगे तब उसके साथ में आपको हॉस्टल का भी फॉर्म दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी हम इन डिटेल वीडियो बना देंगे जब हॉस्टल का एडमिशन स्टार्ट होगा। अब देखते हैं हॉस्टल की फैसिलिटीज। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लार्ज एंड ओपन क्लीन कैंपस। सेकेंड है कॉलेज बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, पीसफुल एंड फ्रेश इन्वायरमेंट है आपके हेल्थ के लिए भी एंड लर्निंग के लिए भी। हॉस्टल में आपको टेबल, चेयर, बेड, फैन, बुक, रैक एंड लाइट की फैसिलिटीज़ दी जाएगी। देन यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फीस कितना है हॉस्टल का, तो 600 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ का फीस लगेगा, जो कि बाहर के हॉस्टल से काफ़ी कम है। और इसके साथ में आपको मेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी एंड फ्रेश प्योर एंड कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। LCD TV है इंटरटेनमेंट के लिए, डेली हिंदी, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड बुक आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। इंडोर गेम में आपको काफ़ी सारे कैरम, चेस वगैरह देखने को मिलेंगे। आउटडोर गेम अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भी फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। देन आपके हेल्थ के लिए रेगुलर मेडिकल चेकअप की भी व्यवस्था की गई है एंड
और खाने की व्यवस्था के लिए यहाँ पर मेस भी अवेलेबल है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको साइंस कॉलेज की सारी डिटेल्स मिल गई होंगी एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर थी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय।